एक समय की बात है, वीरपुर गांव में एक भाई और एक बहन रहते थे। भाई का नाम राजेश और बहन का नाम पिंकी था। राजेश बहुत ही आलसी था, वह कोई काम नहीं करता था। एक दिन पिंकी बोली, राजेश तुम कुछ काम क्यों नहीं करती? जब देखो खेलते रहती हो। मैं और माँ कब तक तुम्हें ऐसे ही बोलती रहेंगी? तुम ही तो कुछ समझा करो। मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूँ, मैं तुमसे छोटा हूँ। जो मेरा दिल करेगा मैं वही करूँगा। जब मेरा समय आएगा तब काम कर लूँगा। तभी राजेश की माँ आई। राजेश ऐसे बात कर रहे हो तुम अपनी बहन से? चलो माफी मांगो, वो तो तुम्हें सही ही कह रही थी। राजेश को गुस्सा आ गया और वह घर से बाहर चला गया। पिंकी भी राजेश को देखकर उसके पीछे पीछे चली गई। तभी पिंकी बोली, राजेश राजेश इतने गुस्से से कहाँ जा रहे हो? मैं वन में जा रहा हूँ लकड़ी काटने। जब देखो तुम सब मुझे ताने मारते रहते हो। और इसी तरह पिंकी राजेश का पीछा करते करते वन में पहुंच गई। लकड़ी काटते समय राजेश का पैर फिसला और वह नदी में जा गिरा। पिंकी पिंकी मुझे बचाओ, मैं बह रहा हूँ। राजेश 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 पिंकी, राजेश उसी नदी में बहता हुआ चला गया दूसरे किनारे पर। अरे ये मैं कहाँ आ गया? यह किसका महल है? राजेश जैसे ही किनारे से बाहर निकला उसके सामने एक जलपरी आ गई। ठहर जाओ बेटा, तुम कहाँ जाना चाहते हो? तुम उस महल में जाना चाहते हो? हाँ, लेकिन आप कौन हो? मैं जलपरी हूँ और किनारे पर एक जादुई महल है। उस महल में तुम्हें जो चाहिए वह मिल जाएगा। जलपरी जी जो भी चाहो, यानी कि खेलना खाना पीना सब कुछ? हाँ, मैं तो बस उस महल की रखवाली करती हूँ। जलपरी जी मुझे भी उस जादुई महल में जाना है। मैं कुछ समय अपने घर वालों से दूर रहकर यहाँ रहूँगा। मेरे घर वाले तब मुझे समझेंगे। तुम महल में तो रह सकते हो लेकिन मेरी इजाजत के बिना बाहर नहीं आ सकते। हाँ जलपरी जी ठीक है। तभी राजेश महल में चला गया और तभी महल का दरवाजा बंद हो गया। कितना सुंदर और बड़ा महल है, अब तो मैं बड़े मजे से रहूंगा, खाऊंगा और पीऊंगा। तभी राजेश महल से बोला, जादुई महल चलो मुझे सोना है, एक सुंदर सा पलंग दे दीजिए। तभी एक सुंदर सा पलंग हाजिर हो गया। राजेश खुश होकर वहाँ सो गया। वहीं पिंकी अपने भाई को ढूंढने के लिए सबको लेकर आई, लेकिन वहाँ पर कोई नदी नहीं थी। सब उसे ढूंढने लग गए और थोड़ी देर ढूंढने के बाद सब वहाँ से चले गए। राजेश जादुई महल में बहुत खुश था। जब वह खाने को मांगता तो खाना आ जाता। अब वह पूरे दिन खेलता कूदता रहता। राजेश कुछ दिन तक तो खुश था लेकिन फिर उदास रहने लगा। उसे घर की और माँ की याद सताने लगी और एक दिन उसने खुद से कहा, मुझे सबकी याद आ रही है। मैं इतने दिनों से यहाँ हूँ, सब बहुत परेशान हो रहे होंगे, मुझे जाना चाहिए। तभी राजेश महल से बाहर निकलने लगा तो उसे सूर का झटका लगा और बहुत दूर जाकर गिरा। राजेश रोते रोते बोला, मुझे जाना है, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। महल बोला, अब तुम यहीं रहोगे, जब जलपरी का आदेश आएगा तभी तुम जा सकोगे। राजेश जोर जोर से जलपरी को आवाज देने लगा। तभी जलपरी आ गई और कहने लगी, क्या हुआ राजेश? जलपरी जी मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे घर जाना है। लेकिन तुम ही तो चाहते थे कि तुम ऐशो आराम से रहो। नहीं नहीं, मुझे बस अपने परिवार के पास जाना है। मैं अब सब काम करूँगा, अपने घर वालों को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तभी जलपरी ने उसकी बात मानी और जादुई महल से उसे आजाद कर दिया। राजेश दौड़ते हुए अपने घर पहुंचा। वहां सब आराम से अपना काम कर रहे थे। अरे राजेश क्या हुआ, तुम तो अभी अभी बन गए थे ना?
लकड़ी काटने मैं भी तुम्हारे साथ ही थी, लेकिन तुम दिखे ही नहीं तो मैं वापस आ गई। राजेश सोचने लगा, मैं तो काफी दिन से घर से बाहर था, जादुई महल में था, लेकिन पिंकी ऐसा क्यों बोल रही है कि मैं अभी गया था। राजेश को पता चला कि वह जब तक जादुई महल में था समय वहीं रुका हुआ था। पिंकी सब कुछ भूल चुकी थी, इसलिए किसी को पता नहीं चला यह सब जादुई महल का जादू है, यह सिर्फ राजेश ही जानता है। अगली सुबह जल्दी उठकर राजेश बाहर वन में लकड़ी काटने चला गया। जब वह लौटा तब माँ और पिंकी उसके पास आए और कहने लगे, राजेश तुम बड़े मेहनती हो गए हो बेटा, हमें माफ कर दो, हम तुम्हें ऐसे ही डांटते थे। नहीं माँ, अब मुझे समझ आ गया है कि काम कितना जरूरी है, अब मैं आराम नहीं करूँगा, काम करूँगा। इस तरह माँ और पिंकी दोनों ने राजेश को गले लगा लिया।